ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को चेतावनी दी कि पैगंबर का चित्रण कार्टून के प्रकाशन के पेरिस की रक्षा के बाद पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने से हिंसा और रक्तपात हो सकता है। रूहानी ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के दौरान एक भाषण में कहा, पैगंबर का अपमान करना एक उपलब्धि नहीं है, यह अनैतिक है, यह हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कार्टून के लिए मैक्रोन के समर्थन को एक मूर्खतापूर्ण कृत्य और उनके लिए मतदान करने वालों का अपमान कहा। अपने अध्यक्ष से पूछें कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ईश्वर के दूत का अपमान करने का समर्थन क्यों करता है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अपमान करना है, विशेष रूप से एक पवित्र व्यक्ति। खामेनेई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फ्रांसीसी युवाओं को संबोधित संदेश में मैक्रोन का जिक्र करते हुए कहा, हाल के दिनों में शीर्ष ईरानी अधिकारियों द्वारा मैक्रोन की आलोचना के एक कोरस के बाद फ्रांसीसी अधिकारियों के अस्वीकार्य व्यवहार का विरोध करने के लिए ईरान ने मंगलवार को एक वरिष्ठ फ्रांसीसी दूत प्रभारी डी आफेयर को तलब किया। ईरान के करीबी शक्तिशाली लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के संसदीय गुट ने बुधवार को भी पैगंबर मोहम्मद को निशाना बनाने वाले अपमान के खिलाफ एक बयान जारी किया। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने बुधवार 28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में फ्रांस के आरोपों को खारिज कर दिया था ताकि इस्लाम के कथित घृणा भाषण और मानहानि पर चिंता व्यक्त की जा सके। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र कई मुस्लिम बहुल देशों में से एक है जिन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा टिप्पणी की निंदा की है, जिसमें राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन शामिल हैं। एक फ्रांसीसी स्कूल की कक्षा में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रदर्शन का बचाव करते हुए एक अलग बयान में विदेश मंत्री हिशमुद्दीन हुसैन ने कहा कि मलेशिया भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जब तक कि इन अधिकारों का सम्मान और जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया जाता है ताकि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन या उल्लंघन न हो। एक बयान में दूतावास ने मैक्रोन की टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बल्कि कट्टरपंथी इस्लामवाद की विचारधारा पर आधारित था। एक फ्रांसीसी शिक्षक के बाद विवाद भड़क गया, जिसने एक नागरिक सबक के दौरान फ्रांसीसी व्यंग्यपूर्ण साप्ताहिक चाली हेब्दो में प्रकाशित पैगंबर के अपने विद्यार्थियों के कार्टून दिखाए थे। चेचन मूल के हमलावर द्वारा सड़क पर हमला किया गया था। इसके बाद के दिनों में एक शहर में एक इमारत के मुख पर कैरिकेचर का अनुमान लगाया गया और लोगों ने उन्हें देश भर में विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शित किया। मैक्रोन ने कहा कि वे रूढ़िवादी इस्लामी मान्यताओं को फ्रांसीसी मूल्यों को कम करने से रोकने के प्रयासों को कम करेंगे।